अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएसट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस बुक के बाकी वीडियोस का भी आपको यूट्यूब पर वक्तन फ़वक्तन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर एवरी किलोमीटर देयर इज़ इंक्रीज ऑफ 15 मीटर इन द विड्थ ऑफ अ कैनाल। What is the width of a canal after 7 किलोमीटर? For example, हमारे पास यहाँ पर एक नहर है, तो इस तरह इसमें आप कह सकते हैं यहाँ, यानी अगर वो ऐसा है एक नहर है पानी का, इस तरह ये साइड जो है इसकी विड्थ कम है, यहाँ पर जितना आगे ये जा रहा है इसकी विड्थ जो है वो चौड़ाई जो है वो ज़्यादा हो रहा है। आफ्टर एवरी किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद देयर इज़ इंक्रीज, इजाफा होता है 15 मीटर का, 15 मीटर का, इन द विड्थ उस चौड़ाई में आप कैनल कैनल का। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द कैनल, इस कैनल के जो है ना वो क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी आफ्टर 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के बाद इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो बुक में जो आंसर दिया है उसके मुताबिक भी इसको सॉल्व कर लेते हैं और बुक से हटकर भी इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए 2-3 तरीक़ों से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अच्छे तरीके से समझने के लिए आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखें। तो चलो सॉल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चूँकि ये जो क्वेश्चन है ये आर्थमेटिक सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ से हमारे पास लिया गया है, तो जनरल जो हमारे पास टर्म है आप आर्थमेटिक सीक्वेंस का ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन एन टू डी। यहाँ पर अगर आप कहते हैं कॉमन डिफरेंस जो डी है वो आपके पास कॉमन डिफरेंस है, दो यानी सीक्वेंस यानी 2, 4, 6 अगर है तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस के बराबर होता है 2। 6 से अगर आप 4 निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, जो अगला आपके पास नेक्स्ट टर्म है और इससे पहले जो प्रोसीडिंग टर्म है उसके दरमियान जो डिफरेंस है उसके ये इक्वल आता है, इसलिए इसको डी यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है कि आफ्टर 7 किलोमीटर जो हमारे पास जनरल टर्म, यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो एन है, यहाँ पर एन हमारे पास है 7 और डी की वैल्यू है वो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है इनमें वो 15 का आ रहा है। तो जिस तरह बुक के मुताबिक यानी जो क्वेश्चंस है सॉल्यूशन है, तो उसके मुताबिक पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में इसका अलग कंसेप्ट भी आपको देते हैं कि इसको कैसे होना चाहिए। तो लेट, अब हमारे पास यहाँ पर ए वन नहीं है, ए एन की वैल्यू जनरल एस की वैल्यू भी आपके पास नहीं है। लेट अगर हम लेते हैं यहाँ पर, लेट ए वन हम ले लें अगर 30 के इक्वल लेते हैं, यानी आपके पास यानी जो जो अर्थमेटिक सीक्वेंस आएगा 30 आप कर लें डिफरेंस, 45, 60, 75 इस तरह 90, 105 और इसी तरह 120 इस तरह आप चलते जाएं। तो इसमें हमारे पास जो ए वन है उसको ए एन, ए एन यानी ए सेवन इक्वल टू इसकी जगह 30 प्लस एन जो है इसकी वैल्यू 7 माइनस 1 एन टू कॉमन डिफरेंस आपके पास 15 का आ रहा है। तो यहाँ पर ए सेवन इज इक्वल टू 30 प्लस ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ए सेवन इक्वल टू 30 प्लस ये हो जाएगा 90। तो ये आपके पास ए सेवन इक्वल टू इसमें आप ऐड करेंगे तो ये 120, वो तो वैसे भी मैंने 7वां टर्म यहाँ पर इस सीक्वेंस का आपको लिख दिया कि इस तरतीब से अगर आप लेंगे तो ये आपके पास ए सेवन जो है आफ्टर 7 किलोमीटर इतना आना चाहिए, 120 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से इस क्वेश्चन को अगर आप समझें तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये तो मैंने 30 लिया, अगर इस सीक्वेंस में इस वैल्यू को मैं लेता हूं इस तरीके से, अब अगर सीक्वेंस लेट यानी हम जनरल जो पहला है टर्म उसको 15 लिख लें, दूसरा 30 कर लें, फिर 45 कर लें, 60 और फिर 75, 90, 105, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात टर्म इस तरह पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर है हमारे पास ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन एन टू डी है,
तो यहाँ पर ए एन सातवां जो है ए एन ए सेवन इक्वल टू ए वन, यहाँ पर अब 15 आ रहा है, 15 प्लस, और यहाँ पर अब 7 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस तो वही 15 ही है, तो ए सेवन इक्वल टू 15 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 15, ए सेवन इक्वल टू 15 प्लस 90 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास ए सेवन जो टर्म है ये 105 आएगा, इस तरह 105 मीटर। तो इसको भी आपने देख लिया, क्योंकि इस तरह यहाँ पर क्लियर तो नहीं है कि ए वन आपने क्या लेना है, ए वन की वैल्यू उस तरह गिवन नहीं है। वैसे भी अगर जनरल आप इसको देख लें तो जनरली आपके पास ये किसके इक्वल है, अगर आफ्टर एवरी किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के देर इज इंक्रीज ऑफ 15 मीटर, अगर 15 एक में जो आपके पास यानी वो पहले हैं 15 का अगर डिफरेंस आ रहा है तो 7 किलोमीटर के बाद जो है ना कितना डिफरेंस आ रहेगा, 7 के साथ आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास 7 × 5 = 35 असल 3 और 7 × 7 = 7 और 3 = 10 105 मीटर का। तो इसका आंसर इसके साथ आपका जस्टिफाई कर जाएगा। तो अब अगर आपने बुक के मुताबिक करना है तो उसको भी आप देख सकते हैं, जनरल भी इसको अगर आपने समझना है तो उस तरह भी मैंने इसको कर लिया कि आप ए वन की वैल्यू अगर इसमें कुछ और रखते हैं और इस तरह अपने से अगर एक आप लेते हैं सीक्वेंस बनाते हैं आप अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो उस तरह इसको आप हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।